हेलो गाइस, तो आज हम लोग आ गए हैं जिम कॉर्बेट म्यूजियम में, जो कि जिम कॉर्बेट का समर हाउस था और वो और उनकी सिस्टर मैगी यहाँ पे समर टाइम में रहा करते थे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट म्यूजियम, तो मैं आपको अंदर से इसे दिखाऊंगी। सर बनता वो भी वहाँ पर रखा हुआ है। ये तितली पकड़ने की एक जाल है, वो भी रखी हुई है, जाल उनकी तितली पकड़ने वाली थी। ये सब जैसे जंगल में वो मैनीटर को मारते थे, 300 मैनीटर मारे उन्होंने, जिसमें से 50 बाघ थे, 250 लेपर्ड थे। लेपर्ड की संख्या यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो उन्होंने टोटल 300 मारे, 50 बाघ, 250 लेपर्ड। तो वो सब वहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिलेगा और उनके फोटोग्राफ भी मिलेंगे और सब सामान उनका, जो फर्नीचर उनका हाथ का फर्नीचर भी बना हुआ। कारपेंटर भी करते थे, फोटोग्राफरी भी करते थे, मैनीटर को भी मारते थे। उन्होंने काफ़ी बिजनेस भी किया, नौकरी भी की, मतलब काफ़ी कुछ किया। आप लोग सब उसको ध्यान से पढ़ करके नोट करेंगे। तो ये है जिम कॉर्बेट का घर, काला ढूंगी में है और सर्दियों में वो यहाँ पे रहा करते थे। जिम कॉर्बेट का स्टैचू, जिम कॉर्बेट के बारे में लिखा हुआ देखो, इसका फोटो खींच लो। इधर साइड में जो गोल्ड लगे हैं फोटो खींचो, वहाँ लिखने के लिए बहुत है। ये जिम कॉर्बेट की मदर है मैरी जेन कॉर्बेट, क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट जिम्स फादर। ये मैगी है जिम कॉर्बेट के सिस्टर, जो इस घर में जिम कॉर्बेट के साथ रहती थी। ये जिम कॉर्बेट है। जिम ऑल्सो सर्व्ड एज एन आर्मी ऑफिसर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। These are some letters from Jim Corbett to his friends. This is the letter to Mr. Chiranjee Lal. Chiranjee Lal was the one who bought this house and converted it into a museum. Jim Corbett died in 1955. After our independence, he moved to Kenya. These are some Indian associates of Jim Corbett: Bahadur Shah Khan, Kuwar Singh, Moti Panwar, Ram Singh, Thampan Goswami. Awards and recognition. So he was given freedom of the forest. This means the Corbett was to be treated like a forest officer. Okay, so he was a designated forest officer. He was also given the prestigious Kesari Hind.
इन 1928 ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जिम कॉर्बेट की हाइट और जिम के देखो बर्तन ये लैंप है या वो फोटोग्राफी वाला लैंप है नहीं यार पता नहीं ये वो लगी रहती है नहीं ये उजाला करने का अगली बार टूर पे जाएंगे लालटेन टाइप द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं हैंड रिटन मैन ईटर ऑफ कुमाऊं द जंगल ये एक इन बुक की फोटो खींच अर्जुन इन बुकों की फोटो खींचो He was also a great carpenter. Jim Corbett द्वारा निर्मित मेज व कुर्सी That is the lamp from his days in Indian Railway. Jim Corbett with Mahashir. फर्नीचर फ्रॉम जिम कॉर्बेट्स होम कॉर्बेट्स लेटर्स दिस इज गवर्नर्स अप्रिसिएशन लेटर टू जिम कॉर्बेट दिस इज द ओरिजिनल टेलीग्राम इन गवर्नर्स इन राइटिंग दिस इज इट फॉर टुडे गाइस दिस इज द जिम कॉर्बेट म्यूजियम which was former Jim Corbett's house. He and his sister Maggie used to live here during summers. Basically, he was born and brought up in Nainital. So Nainital was his winter home and Ramnagar, Kaladungi was his summer house. Thank you so much for watching. Thank you. जिम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट द एट्थ चाइल्ड ऑफ क्रिस्टोफर एंड मेरी जेन कॉर्बेट तो नैनीताल में पैदा हुए थे 1875 में थर्ड जनरेशन आयरिश मैन थे और ही वॉज हाईली रिगार्डेड बाय द पीपल ऑफ कुमाऊं नॉट ओनली फॉर हिज सेल्फलेस करेज एंड डिटर्मिनेशन इन ट्रैकिंग डाउन मैन ईटर्स बट ऑल्सो एज अ नेचुरलिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट इसके साथ में मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि जिम कॉर्बेट एक बहुत उम्दा राइटर भी थे तो चलिए यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं से पूछते हैं कि आपको जिम एज अ फॉरेस्ट मतलब जिम कॉर्बेट नरभक्षी बाघों का उन्होंने वो किया था तो उसके लिए वो फेमस है उन्होंने रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ जो होता है उनको मारने में मतलब गांव वालों की काफ़ी हेल्प की थी तो इस वजह से आई लाइक इट थैंक यू तो जिम कॉर्बेट जो है वो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत है उन्होंने अपनी बुक में काफ़ी कुछ मेंशन किया कि टाइगर की हंटिंग टेक्निक्स में क्या डिफरेंस होता है और लेपर्ड की हंटिंग टेक्निक्स क्या होती है तो काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है उनकी बुक से और ये उनका समर हाउस है दिस इज़ ऑल फॉर टुडे दिस इज़ मी तनुजा पाठक साइनिंग ऑफ फ्रॉम जिम कॉर्बेट म्यूजियम